की आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समां कल हो ना जी हाँ देश का वो युवा जो ये जानता है कि सीने में आग भी है खुद पर इसे यकीन भी है इसी देश के युवा से 16 जनवरी 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि डोंट बी जॉब सीकर्स बी जॉब क्रिएटर्स यानी नौकरी ढूंढने वाले मत बनिए नौकरी देने वाले बनिए। स्टार्टअप इंडिया की जब शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स ऐसे कई शुरू करने जा रहा है देश का ये युवा अगर इन्हें पलट दे युवा को पलट दे बन जाता है वायु तेज हवा अगर चल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि विकास की आंधी में न जाने देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। रितेश इसी तरह की एक कंपनी चलाते हैं इन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आए अपने आइडियाज शेयर करें अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करें देश को विकास दें देश को सफलता की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। अगले आधे घंटे हमारे साथ में रहिए बहुत कुछ खास है इस युवा में एक एक करके आपको बताएंगे दिखाएंगे। रितेश हमारे साथ में हैं जिन्होंने देश को कई स्टार्टअप्स दिए हैं और स्टार्टअप्स के लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराते हैं। रितेश सबसे पहले तो मुझे बहुत ही आसान शब्दों में बताइए कि स्टार्टअप होता क्या है। राशिद जी स्टार्टअप एक सोच है स्टार्टअप एक वो नई दृष्टिकोण है जो हर डेवलपिंग नेशन का एक बैकबोन है। स्टार्टअप एक वो सोच है जो हमारे युवा पीढ़ी को इकट्ठे जोड़ती है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आती है जहाँ पे हम यूनिकॉर्न्स बनाते हैं जिसको वो 6,000 करोड़ का मार्क बताते हैं जिससे हमारे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मान के चलिए आप सोचिए अगर फेसबुक गूगल जैसे स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में होने लग गए तो हमारे को कितनी जॉब्स आएंगी क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार की दिक्कत बहुत सारे जगहों पर है और उसी का जो सोल्यूशन है वो है स्टार्टअप इंडिया। यहाँ पर कुछ बहुत कुछ अलग है इस पूरे प्रिमाइस में और यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। रितेश आइए जरा बैठे देखें ये क्या है ये तो मुझे एक टेबल नजर आ रही है लेकिन इसमें कुछ 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 हो रहा है क्या हो रही है। सर्फिस कंप्यूटर है इनके 55 इंच का पूरा कंप्यूटर है जिसको आप इस पर कॉफी पी सकते हैं खाना खा सकते हैं और अपना कंप्यूटर यूज भी कर सकते हैं। आप जैसे गेम के शौकीन हैं हम गेम्स के बहुत शौकीन हैं इधर नाम से गेम आती है उसको आप खेल सकते हैं आप काट सकते हैं पीस। ये भी एक तरीके का स्टार्टअप है चूंकि पहली बार है नया है और स्टार्टअप को लेकर के क्यों ना इसी सर्फेस कंप्यूटर पर ही मैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। साल 2010 में 480 स्टार्टअप शुरू हुए थे 2011 में हिंदुस्तान में 525 2012 में 590 स्टार्टअप शुरू हुए 2013 में 680 फिर 2014 में 805 स्टार्टअप शुरू हुए 2015 में 1200 स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में हो चुके हैं और इसे लेकर के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि एक विजन है कि 2020 आते आते ये हजारों की संख्या लाखों में पहुंच जाए और देश बदल जाए। अपना पूरा ऑफिस आप कुछ स्टार्टअप वाले अंदाज में ही मुझे घुमाइए ना कुछ अलग से अंदाज में घुमाइए मुझे। अच्छा ये पर्सनल ट्रांसपोर्टर है जिसे रितेश ने इजाद किया है ऑफिस एक बार दिखाना चाहूंगा। ये बहुत खास लोग हैं ये देश का कि वो इंटेलेक्चुअल पावर है जो देश को नए आयाम तक लेकर के जाएगी नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। कहीं पर मुझे रोकेंगे आप खास जैसे आप देखिएगा। अच्छा यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। सौरभ और आनंद बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मीमे नाम से एक ऐप चलाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग इन लोगों ने इनसे ही पूछते हैं कि इनका इनका ऐप किन मानों में खास है। सौरभ है हम न्यूज क्रिएट करते हैं ऑडियो और इमेजेस से तो हमने एक डैशबोर्ड बनाया जहाँ पे कि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकते हैं इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स और ऐसी वीडियोस हम रोज अपने पेज पे बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को हेल्प करते हैं एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना। मतलब मैं कुछ बोलूंगा और उसे आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे विजुअल के साथ में तस्वीरों के साथ में। लाइए मैं कुछ बोलता हूँ ये व्हाट्सएप पर मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करके सौरभ को भेज रहा हूँ। आज की बड़ी खबरें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में हैं 3 उनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं
ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? इसके अलावा आज की दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि एनआईए से गुरदासपुर के एनआईए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। ये आज की दूसरी अगली बड़ी खबर है। अब आप इन्हें न्यूज के फॉर्म में मुझे दिखाइए, ये लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ दौरे पर हैं। तीन अलग अलग उनके प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा देश की बड़ी खबर यह है कि गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। तो चलिए, मीडिया से जुड़ा हुआ एक स्टार्टअप था और उसके बाद रितेश मुझे आगे लेकर के चलेंगे। जितनी देर मुझे रितेश आगे लेकर के चलना है, एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स के आंकड़े अभी तक पूरे देश में कितने हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं 23%। आप जब महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में स्टार्टअप है लगभग 17% के आसपास, पुणे में 6%, हैदराबाद में 8%, चेन्नई में 6%, बेंगलुरु में स्टार्टअप्स उसके बाद फिर 26% के हैं। और इस वक्त मेरी स्क्रीन पर बाईं तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि 16 जनवरी 2016 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को लेकर के अपनी योजना लॉन्च की थी, तो 17 बड़ी चीजें उन्होंने देश के लिए क्या बताई थी कि किस तरह से टैक्सेशन में आपको लाभ मिलने जा रहा है, स्टार्टअप्स के लिए सरकार किस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है, ये मेरी स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको नजर आ रहा है। आप किसी खास जगह मुझे लेकर के आए हैं? ये मैं आपको मिलाना चाहूंगा सौरभ से। बहुत इंटरेस्टिंग काम, अच्छा, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। अच्छा, एक बार आप सौरभ से पूछ लेते हैं, सौरभ क्या कर रहे हैं आप? So, जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल आइडिया से दिमाग में आया। लोग बहुत टाइम जाया करते हैं ई कॉमर्स या लोकल मार्केट पे अपना राइट प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, और उस टाइम को सेव करने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया जिसके लिए जो लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं उसे उन्होंने वो इमेज से ही, सिर्फ एक क्लिक से ही उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सर एक काम कीजिए, मुझे एक डेमो मेरे ऊपर दे करके दिखाइए, आप मेरी एक पिक्चर क्लिक कीजिए और दिखाइए कि किस तरह से मेरे जैसी जैकेट आप दिखा सकते हैं। ये मेरी पिक्चर क्लिक कर ली। अब सौरभ इसके बाद आप क्या करेंगे? अपने एप्लीकेशन में इन्होंने अपलोड की है मेरी पिक्चर, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि नीचे आने वाली सारी जैकेट्स क्लोजली आपके और आपके सराउंडिंग के कलर्स के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, बात तो ठीक है। मैंने ग्रे जैकेट पहनी है, यहाँ पर भी ग्रे जैकेट आ रही है। मैंने स्लीवलेस पहनी है, स्लीवलेस का ऑप्शन है। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि ये कितनी सस्ती है कितनी महंगी मेरी जैकेट है। तो अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी कई अलग अलग आ जा रहा है, बहुत स्मार्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए, काफी हद तक मेरे जैसी जैकेट आपको नजर आ गई और आप वन क्लिक में इसे खरीद सकते हैं। चंद सेकंड में ही आपने कर दिखाया है सौरभ। 850 साइट्स का डाटा एक साथ ढूंढता है और उनमें से आपको सबसे क्लोज जो मैच होता है वो आपको प्रोवाइड कर। स्टार्टअप का नाम क्या है? टिक एंड पिक। रितेश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लड़कियों की, महिलाओं की जो संख्या है स्टार्टअप्स शुरू करने में वो काफी पीछे है। मैंने जब आंकड़ा निकाला, 9% लड़कियों ने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं और 91% लड़कों ने। ऐसा क्यों रितेश? मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जहाँ पे अभी तक हमारे जो विमेन, जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अभी तक इतने बड़े विमेन नहीं आई हैं। उसका मैं रीजन समझता हूँ कि शायद फैमिली प्रेशर ऐसे, क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल जर्नी है। मैं लड़कियों के पास आकर के रुक भी गया हूं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मेरा अपना अनुमान है 2018 तक ये वाली संख्या 9 से 21 या 22। ये मेरी गाड़ी लड़कियों के ठीक पास नहीं, कोई बात नहीं है। हमेशा लड़के लड़कियों से पीछे ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, वो हमेशा ही आगे रहनी चाहिए देश में, और इसीलिए लड़कियों के पास पहुंचते ही मेरी गाड़ी जो है पीछे भाग पड़ी थी। थोड़ा सा आगे करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। और आपका? नैन्सी। पूजा, क्या खास है आपके पास में देश को देने के लिए? तो हम एक फेसबुक ग्रुप चलाते हैं और इस फेसबुक ग्रुप का नाम है लेट्स बार्टर इंडिया, विच इज आप इंडिया में जहाँ कहीं भी हैं आप अपनी चीजें बार्टर कर सकते हैं। अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडिया के बारे में बताने से पहले एक लाइन बोलिए आप। एक आइडिया जो बदल देगा इंडिया। आपका वो एक आइडिया कौन सा है? मेरा वो आइडिया है लेट्स बार्टर इंडिया, जहाँ आप अपनी कोई भी चीज लेके उसको बाटा कर सकते हैं। तो आप अपने पुराने फ्रिज जिनको आप शायद रद्दी में बेच देते हैं उनको वैल्यू डाल सकते हैं। मेरा ये एक आईपैड है और मुझे इसके बदले एक प्लेस्टेशन 4 चाहिए, करके दिखाइए आप। तो अब ये मैंने अपने फोन पे खोल लिया है लेट्स बाटा इंडिया का फेसबुक ग्रुप। ओके, फोटो डाल देते हैं हम। यहाँ से मैंने फोटो सेलेक्ट करी हमारे आईपैड की, जो हमने अभी अभी खींची थी फोटो, और यहाँ हमने लिखा आई हैव एन आईपैड फॉर बाटा, गुड लव
PS इन एक्सचेंज, आपको जैसे प्ले स्टेशन चाहिए था ना, तो हमने वो लिख दिया और ये हमने कर दिया पोस्ट। तो आप जैसे देख रहे हैं 7 साल उसी टाइम पोस्ट हो जाता है, ये पोस्ट हो गया है। अब हम ये देखना चाहेंगे कितनी देर में आपके पास में फीडबैक आता है। आपने आईपैड डाल दिया है, कहती हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएगा। ये देखिए 2 कमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी, क्या करते हो आप नैन्सी? मैं यहाँ पर अपनी टीम एडोडॉक के साथ में हूँ। हमारी कंपनी एडोडॉक ने ऐप बनाई है हेल्थ केयर ऐप। एडोडॉक? हाँ जी। क्या है ये? ये एक हेल्थ केयर ऐप है जिसमें हम लोग बेबीज का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप हमारे ऐप में देख सकते हो कि हमने 2 बेबीज ऐड किए हुए हैं। बेबी की सारी डिटेल ऐप पर अवेलेबल है कि बेबी का नाम क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसका ग्रोथ आप देख सकते हो कि हाइट और वेट एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। और आप इसमें ये देख सकते हो कि हम लोग टिप्स भी शेयर करते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस से बेबीज को आप बचा सकते हो। वैक्सीन का सारा डेटा हमारे ऐप पर अवेलेबल है। मुझे बताइए रितेश, इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, कोई ऐसा कमरा तो आपने बनाया ही होगा जहाँ पर जा करके वो अकेले में बिल्कुल बंद कमरे में जा करके बड़े बड़े आइडियाज जनरेट कर सके, इनोवेट कर सके, सोच सके, वहां पर बैठ करके, कोई ऐसा कमरा बनाया है, नहीं बनाया आपने? जी बिल्कुल राशिद जी, हम लोगों ने एक कमरा बनाया जिसका नाम है वर्म होल। वहां पे चारों तरफ आपके पास व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट मार्कर्स हैं। आप यहां पे आइए, लेकर के जा रहे हैं, वहां आइए और आप अंदर अपने थॉट्स। कमरे का नाम दिखाइए आप एक बार। जी वर्म होल, कमरे का नाम है वर्म होल। अच्छा, यहाँ ये देखिए लोगों ने अपने आइडियाज लिखे हुए हैं इधर इधर। मतलब आप कॉन्सेप्ट ये है कि अपने आइडियाज आप लिखिए यहाँ पर, सोचिए, ये कमरा बंद कर लीजिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी बिग बॉस का कन्फेशन, रितेश, ये मुझे बिग बॉस के कन्फेशन रूम जैसा लग रहा है कि आप यहाँ पर आकर के आइडिया भी अपना जनरेट कीजिए, उस आइडिया को खुद से भी शेयर कीजिए, उसके प्रोस कॉन्स, उसके प्लस माइनस सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। रितेश आइए, कहते हैं कि आइडिया तब तक अपनी उड़ान नहीं भरता जब तक उसे एक खुला आसमान ना मिले। आपने बंद कमरा तो दे दिया है, छोटा कमरा आइडिया के लिए दे दिया, एक हॉल दे दिया, पूरा स्पेस आपने दे दिया, खुला आसमान आपने देने की सोची? जी सोची है। बंद कमरे की बात हो गई, आइडिया को खुले आसमान की तरफ हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि कहते हैं उड़ान हमेशा ही खुले आसमान में भरी जाती है। स्टार्टअप की उड़ान भी कुछ ऐसी ही है, वो खुला आसमान भी रितेश मुहैया कराते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद ये खास पेशकश खुले आसमान के नीचे। एप्लीकेशन नाम कैब्स गुरु है। सो हम बेसिकली यूजर्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं आजकल विद ओला, उबर और इतनी सारी ऑप्शंस आ गए हैं यूजर्स के पास। बट जब कैब बुक करनी होती है तो उनको 6-7 डिफरेंट ऐप्स में जगल करना पड़ता है और फिर कंपेयर करना पड़ता है। हमने उन सारी ऐप्स को एक साथ कैब्स गुरु, द गुरु ऑफ ऑल ऐप्स में एक साथ एग्रीगेट कर दिया। मुझे एक बार डेमो देकर के दिखाएंगे आप? ठीक है, एक बार दिखाइए आप अपने क्या फोन में। आपके पास इसमें सेल्फ ड्राइव एंड आउटस्टेशन की भी ऑप्शंस है, बट अगर आप लोकल में जाके सिलेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपने सिलेक्ट करा कि मेरे को सीपी से अपने घर तक जाना है, आपको बस एक बटन दबाना है सर्च का और आपके पास जितनी ऑप्शन आसपास अवेलेबल होंगी सारी कैब्स की वो आ जाएंगी। सो आपके पास उबर की ऑप्शन है, आपके पास टैक्सी को शोर की ऑप्शन है, मेरू की ऑप्शन है, मेगा कैब्स की है, ओला कैब्स की है एंड क्विक कैब्स की है, यो कैब्स की है। इनमें से कोई भी आप सर्च कंपेयर करके बस बुक नाउ दबाएंगे और आपकी कैब विद इन 2 मिनट्स आपके पास आ जाएगी। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके आए हैं, लाखों रुपए की जॉब छोड़ करके आए हैं, लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके आए हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, मैं वैसे प्रोफेशन वाइज आई डन माय कमर्शियल पायलट फ्लाइंग, मैं एक पायलट लाइसेंस लिया हुआ है मैंने 2 महीने। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं एक अंदाजा कि अगर आप कमर्शियल पायलट होते एक महीने में कितना कमा लेते आप? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए छोड़ करके आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया? हाँ, स्टार्टअप का हिस्सा मैं इसलिए बना, आई मीन ऑफ कोर्स व्हेन जब मैं वापस आया फ्लाइंग का कोर्स करके, तो इंडिया में तब एविएशन सेक्टर की हालत भी अच्छी नहीं थी, किंगफिशर बंद हुई थी और जॉब क्रंच बहुत ज़्यादा था। बट स्टार्टअप उस टाइम शुरू ही हुए थे, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी डायनामिक इन्वायरमेंट मिला, काफ़ी चैलेंजिंग रोल्स थे और एवरी डे एवरी आवर कुछ ना कुछ नया और बनता था और बिगड़ता था। जिंदगी में सभी ने कुछ ना कुछ छोड़ा है, तभी कुछ पाने की कोशिश की है और पाने की कोशिश में बहुत आगे निकल। रितु, आपने भी कुछ छोड़ा है जिंदगी में? हाँ जी, मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और यहाँ पे मैं कंटेंट डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स लिखती हूँ। रितेश, आप बहुत खास है हमारे लिए। देखिए, बात सिर्फ एक आइडिया की ही नहीं होती है, बात होती है शिद्दत की, बात होती है पैशन की, बात होती है जोश की, बात होती है जज्बे की, बात होती है कन्विक्शन की, बात होती है सच्चाई की। जब भी कन्विक्शन होता है ना तो मार्क जुकरबर्ग पैदा होते हैं, जब भी कन्विक्शन होता है तो बड़े बड़े नाम पैदा होते हैं, चाहे आप अजीम प्रेम जी ले लीजिए, जे आर डी टाटा ले लीजिए, और न जाने ऐसे रितेश कितने नाम। इस प्रोग्राम को तो मैं यहीं पर खत्म करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि भारत के नक्शे पर, ये मेरी खुद की विषय की, भारत के नक्शे पर एक अलग पहचान आप खुद के लिए रखें और देश की पहचान दुनिया के नक्शे पर कहीं और लेकर के जाएं। लेकिन मैं खत्म यूं ही नहीं करूंगा रितेश, आपके खूबसूरत से सुरों के साथ में ही खत्म इस प्रोग्राम को मैं करना चाहूंगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरे